जी मेरा नाम यूनुस कुजूर है, मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और इम्पा के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था ई इम्पा कोलकाता का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। झरना आर्ट्स ग्रुप हमारी कंपनी है जिसने जहर जिंदगी फिल्म को बनाया है। कब रिलीज कर रहे हैं आपको ये? अभी फिलहाल मुंबई सेंसर बोर्ड में जमा है, इसकी CVC की प्रोसेस कंप्लीट होते के साथ में CVC सर्टिफिकेट मिलने के साथ हम इसको वर्ल्ड वाइड हम रिलीज करेंगे। क्या है फिल्म की कहानी, क्या है ये जहर जिंदगी गही का अर्थ होता है जिंदगी का जहर, या समझ लीजिए पॉइजन ऑफ लाइफ। ये दो इंटरकास्ट जोड़े के प्रेम कहानी के साथ शुरू होती है और उसके बाद ये घर से भाग के महानगरों में अपना जीवन दीवन के जद्दोजहद पर भिड़ जाते हैं। जब कोविड का पीरियड आता है तब इनके सामने रोजी रोटी की समस्या ख़त्म हो जाती है, इसके बाद इनको घर अपने गांव वापस लौटना जरूरी हो जाता है। गांव वापस लौटने के इसी दरमियान लड़के का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। अब उसके बाद उस लड़की के जीवन में जो संघर्ष और दुनियादारी के जितने भी समस्याएं इनको जद्दोजहद करती हुई लड़की के संघर्ष को जहर जिंदगी गही के रूप में दिखलाया गया। तो आप बता रहे हैं कि पहली आदिवासी फिल्म है जी? हमारे नॉलेज में तो अभी तक कोई विश्व भर में कोई फीचर फिल्म नहीं बनी। किस भाषा में? कुड़ुख भाषा में। और हमने ये कोशिश किया है कि कुड़ुख भाषा में यह फिल्म पूरे विश्व को बनाकर दिखलाई जाए और कुड़ुख भाषा के प्रति लोगों का ऑडियंस का ध्यान आकर्षित किया है। आपने इसमें भूमिका भी की है लगता है, ये कैरेक्टर जी 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 क्या है? देखिए इसका इस फिल्म जहर जिंदगी गही का राइटर भी मैं हूँ और झरना आर्ट ग्रुप ने इसका इसको प्रोड्यूस किया है और मेरा इसमें करेक्टर रोल है फकीर का। इस फिल्म में एक सीन है जब हमारे उस फिल्म के खलनायक जुम्मन सेठ लड़की पर जाति करता है, तब लड़की घर से भाग करके अपने जान बचाने के लिए गली गली गांव में घूमते फिरती दौड़ती फिरती है अपने बच्चे और अपने जान बचाने के लिए। तब ये घटना एक गांव के चौराहे पर या शहर कस्बानुमा शहर के चौराहे पर मॉब लिंचिंग जैसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है। जैसा कि आमतौर पे हम देखते हैं सामाजिक जिंदगी में एक फकीर जो होता है उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने धुन में कहीं भी पड़ा रहता है। मेरा भी करेक्टर इस फिल्म में ऐसा ही था। जहाँ ये क्लाइमेक्स की जो सीन फिल्माई गई तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस संबंध में दखल देना चाहिए, इस लड़की की जान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा रोल वही था और मैंने वहाँ पर लोगों को भीड़ को मतलब इस बात से अवगत कराया कि आखिर इसने चोरी भी क्या किया, मतलब इसने ऐसा क्या अपराध किया कि इसको तुम पत्थर से मार डालोगे या मतलब हथियार से मार डालोगे। तो मेरी बातों को लोग सहमत होते हैं, अग्री करते हैं। उसके बाद में कोई ऐसा रियल एक्सीडेंस हुआ था जहाँ से मतलब कोविड के टाइम स्टोरी कहाँ से आती है? देखिए वास्तव में ये जहर जिंदगी गही की कहानी हमारे जो मानव समाज के किसी न किसी वर्ग में घटित होती है। क्योंकि ये जो इंटरकास्ट लव अफेयर इलीगल नहीं है, इसलिए ये हमारे समाज में एक समाज से दूसरे समाज में ये घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इसको हमने एक ऑन स्क्रीन इंटरेस्टेड और नाटकीय मोड़ देने के लिए हमने ऐसा इस कहानी को गढ़ा और इसका अभी तक के हमारे नॉलेज में ऐसा कोई घटना घटा है ऐसा हमें जानकारी। क्या प्लान है, मतलब कहाँ आप शूट होने वाली, कौन सी स्टार कास्ट होंगी, बॉलीवुड से भी होंगी कुछ या? देखिए फिल्म जहर जिंदगी गही बनकर तैयार है,
ये सेंसरशिप के लिए सीबीसी मुंबई ऑफिस में जमा है और हम उम्मीद करते हैं कि एक आध हफ्ता या 10 दिन में हमारे फिल्म जो है अजय हरजिंदगी गई के लिए सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। थैंक यू। पहले अपना नाम बताइए और बताइए फिल्म के डीओपी कहाँ कहाँ पे शूट हुए, क्या कितनी चैलेंजिंग रहा आदिवासी फिल्म से। सबसे पहले पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से जोहार। मैं सुरेंद्र कुजूर, यानी कि मुझे एसके ब्रदर के नाम से जानते हैं और काफ़ी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी हमें प्यार देते हैं और उनका एक नतीजा है कि पीछे बैनर टंगी हुई है वो फिल्म विश्व की, जैसे सर ने कहा कि विश्व में अभी तक जानकारी हमें भी नहीं है कि कोई ऐसी फिल्में बनी है जो कि कुड़क हो। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और खास कर ये फिल्म के बनाने के पीछे की वजह है जो हम हमेशा हमें अपने लोगों को बोलते हैं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ सिनेमा ही नहीं है, ऐसे अगर देखेंगे तो कम संसाधन में हम लोग इस फिल्म बनाए और इस चकाचौंध की दुनिया से दूर ऐसे भाषे जो बहुत लोग नहीं जानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो प्राउड फील करें कि अपनी लैंग्वेज को प्यार करें। इससे बहुत सारे अपने म्यूजिक, अपने वेशभूषा, अपने कल्चर जो हमारे यंगस्टर जो दूर हो रहे हैं, जैसे जैसा कि सर ने कहानी बताया, हम उनके हिसाब से हम फ्रेम के अपना कंपोजिशन के हिसाब से हम लोगों के सामने दिखाने की कोशिश की गई है। ये सिनेमा में कितने दर्द है, कितना स्ट्रगल है, उनके हर पहलू को मैंने, उनके लिखे हुए कहानी को मैंने जीने का और एक कैमरे के माध्यम से ऑडियंस को लाने के लिए एक बेहतर प्रयास किया है। और कितना चैलेंजिंग रहा आदिवासी फिल्म है पूरे, मतलब होता है एक रियल प्लेस दिखाना होता है दुख लाइफ में, तो किस तरह खास करके बहुत लोग ये पता नहीं, बहुत सारे न्यूज चैनल में भी ये आया कि कुड़क भाषा से बोलते हैं, कड़क भाषा में फिल्म बनी है, तो बहुत लोग को पता नहीं है। ये द्रविड़ियन फैमिली से हम लोग, द्रविड़ी परिवार से कुड़क आता है हमारा, बहुत जब हिस्ट्री देखेंगे तो ये हम लोग द्रविड़ियन है जो कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जैसे झारखंड में बहुत लोग नहीं पता होगा इनका, आपको अंडमान में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आसाम, कोलकाता, दिल्ली, कुछ बॉम्बे में भी हैं और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बहुत जगह में इस भाषा को बोली जाती है। और चैलेंजिंग की जहाँ बात हुई वो बहुत, जब हम लोग फिल्म जब हम शुरुआत किए थे तो हमारे डायरेक्टर साहब को बोले कि यार तुम लोग डुबाने के लिए, पैसा बर्बाद करने के लिए आप लोग फिल्म बना रहे हैं, दादा बोले कि नहीं, लोगों को लगता होगा ये पैसे कमाने के लिए, उन लोग अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी इस फिल्म से पैसा कमाना नहीं है, हमें अपने समाज के, दुनिया के सामने अपनी जो लैंग्वेज जो विलुप्त होने वाली हाल ही उसको, मतलब दुनिया के सामने एक प्रेजेंट करने का एक माध्यम है। और जहाँ तक हम अभी भाई मैंने बोला था वजूद, तीन ही वर्ड ऐसा लगता है सुनने में, वजूद में हमारे पीछे एक वजह है, वजूद में पहला भाषा, भेष, मतलब वस्त्र जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी अपना ड्रेसअप है, भूषा, वेशभूषा, अपनी म्यूजिक, और अभी हमारे जितने भी है, हमारा 12 महीना है, 12 तरह का हमारा म्यूजिक है। और आने वाला टाइम में अगर हम युवा अगर जागृत नहीं होंगे तो हमारा आज से 15 से 20 साल में हमारा म्यूजिक जो अपना म्यूजिक है वो अस्तित्व जो खतरे में है। तो हम लोग हम जब इस फिल्म के माध्यम से और हम सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े तो हमें ऐसा रहा था कि हम अगर हम आदिवासी हैं और अपने हम समाज अपने कुड़क लैंग्वेज लेकर हम काम ना करें तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी माँ के प्रति मैं गद्दारी कर रहा हूँ। तो ऐसा हम लोग हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए फिल्म को लाए ताकि भाषा को लोग, दुनिया के लोग जाने और हम आज के हमारे युवा पीढ़ी है जो अपनी चीज़ों से दूर हो रहे हैं उनको हम अपने चीज़ों से प्रेम करने का एक सिखाने की कोशिश करें इस फिल्म के माध्यम से। थैंक यू। अच्छा, एक कुड़क भाषा जो है हमारा एक नारा है, नीन पर्दो ले इन पर्दो, और जब नीन पर्दो ले न समाज पर्दो, और समाज पर्दो ले न मैं खोड़ा पर्दो, जब खोड़ा पर्दो ले न मैं राजी पर्दो, न मैं राजी पर्दो ले पूरे विश्व पर्दो। पगानी मतलब है कि जब आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, जब हम बढ़ेंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा, जब समाज बढ़ेगा तो हमारा राज्य बढ़ेगा, जब हमारा राज्य बढ़ेगा तो पूरे विश्व बढ़ेगा। तो हमारी सोच काफ़ी मतलब अच्छी विचार होनी चाहिए, अपनी चीज़ों के प्रति लोगों को प्यार होना चाहिए। और हम सिर्फ आज कुड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी ट्राइब हैं, ट्राइबल लोग हैं इंडिया में, और खास करके हम जहाँ तक बिलोंग करते हैं, हम रांची से, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है, संथाली है, खड़िया है, खोठा है, गिरजिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम कुड़ुक में समुदाय से हैं तभी सिर्फ कुड़ुक बनाए, अगर कोई भाई अगर हो है तो हो, अगर आए तो वो फिल्म बनाए, कोई अगर संथाली भाई हैं तो वो बनाए। तो हम हर युवा पीढ़ी को हम प्रेरित करना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। जी, मेरा नाम श्रवण ठाकुर हुआ, मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर हूँ, और
मेरी बहुत सारी गाने रिलीज हैं जो टी सीरीज में हैं, टी सीरीज अल्ट्रा और यशी फिल्म से रिलीज हैं एज एक्टर डायरेक्टर कोरियोग्राफर। और उसके डीओपी हमारे सुरेंद्र कुजूर जी हैं जो झारखंड से हैं, और मैंने सारी शूटिंग झारखंड में किया था, बट वो बड़े चैनलों पे मेरे गाने रिलीज हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ मुंबई में फर्स्ट टाइम ये लोग आए इस फिल्म को लेकर के, जिस फिल्म का नाम है जहर जिंदगी घई, यानी कि इसका मीनिंग होता है कि जिंदगी जहर हो गई। तो इस फिल्म के बारे में जब सेंसर बोर्ड के लिए इन्होंने अप्लाई सेंसर के लिए जब अप्लाई किया तो कुछ अड़चनें आई इनकी, तो इन लोग ने मुझसे कांटेक्ट किया। तो हमारे झारखंड से बिलोंग करते तो मुझे लगा कि जो भी मुझसे इनके लिए बन पड़ता है मैं सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हो गया। तो सेंसर बोर्ड में इस फिल्म को, क्योंकि सेंसर बोर्ड में कुछ 17 लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में ये लैंग्वेज जो है नहीं था, तो सेंसर बोर्ड में यह सवाल खड़ा कर दिया गया कि भाई ये फिल्म तो हमारे इसमें सेंसर बोर्ड में लैंग्वेज है ही नहीं, तो हम आपको सेंसर सर्टिफिकेट दें कैसे। तो मैंने सवाल किया कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये वर्ल्ड में एक ऐसी पहली फिल्म बनाई गई है, अब मान के चलिए कि ये इनकी अपनी मातृभाषा है तो आपको एक प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा उसको, आप जिस रूप में दें वो आपकी टेंशन है। वो सरकार से हम लोगों ने गुजारिश किया है, अपील किया गया है सरकार से कि इस चीज़ को महत्व दिया जाए इनके भाषा को, क्योंकि इन्होंने फिल्म बनाया और थिएटर में अगर जाएँ विदाउट सेंसर अगर रिलीज़ करते हैं तो भी प्रॉब्लम इनके साथ आता है। तो गवर्नमेंट से भी और सेंसर बोर्ड से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें सेंसर सर्टिफिकेट इस लैंग्वेज का दिया जाए। अब इसका प्रावधान आपके पास कैसे आप अप्रूव करते हैं आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर अप्रूवल उन्होंने लिया और अप्रूवल के लिए हमने सबमिट कर दिया, तो सेंसर सर्टिफिकेट अभी हाल फिलहाल में इनकी मिल जाएगी। तो इस लैंग्वेज की जो है एक अपनी इनकी भाषा है और कुड़ुख लैंग्वेज ऐसा है, अंदर गाना लगता है, एक्शन का लगता है। लाइक मैं तो इस लैंग्वेज से नहीं हूँ, इस भाषा से नहीं हूँ, बट मुझे बहुत अच्छी तरह भाषा आता है। होरमरेन जोहार नाना लगदन, मतलब मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, तो इस तरह की भाषा है। तो इस चीज़ को एक वर्ल्ड लेवल पे इस भाषा को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इनको जो है अपनी भाषा को एक मान सम्मान मिले और उस एक फिल्म के ज़रिए लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाएँ। फिल्म एक होता है कि हर कॉन्सेप्ट एक रोमांटिक होता है, एक्शन होता है, सब सब्जेक्ट एक जैसा ही होता है, बट कुछ इन लोगों ने कॉन्सेप्ट वैसा ही रखा है जो एक आम हिंदी फिल्म में आप देखते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में इस तरह की फिल्म बनी नहीं है। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि हम अपनी भाषा को कैसे लोगों तक पहुँचाएँ। तो एक फिल्म एक ऐसा माध्यम बनता है कि लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचा सकें और लोग जानें कि नहीं, इस भाषा का भी महत्व है और फिल्में बनती हैं। तो जैसे इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ में इस फिल्म का प्रीमियर किया था, तो प्रीमियर का मैंने कुछ न्यूज़ देखा, कुछ वीडियोस देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, आप बड़े बड़े स्टार कास्ट की फिल्में आप देखेंगे तो जितने क्राउड नहीं होते उससे ज़्यादा क्राउड इनके फिल्मों में मिला, और वहाँ के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया और वहाँ के MPs MLA जो हैं उन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, हमसे जो भी आपके लिए सहयोग बनेगा तो हम आपको करते हैं। तो जब ये मुंबई आए तो मुंबई में फर्स्ट टाइम इस तरह की फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है। फिर मैंने कहा कि देखिए, आप मुंबई एक ऐसी जगह है फिल्म इंडस्ट्री के लिए जहाँ पूरी दुनिया से आप एक इंडस्ट्री जो है हमारा बॉम्बे से बड़ा तो कहीं है नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, आप बॉम्बे से आप प्रमोट करेंगे तो और नेशनल लेवल पे आपकी चीज़ें जाएगी, तो हर चीज़ को आपको सपोर्ट यहाँ से अच्छा मिलेगा आपकी फिल्मों के लिए। तो इन्होंने बोला ठीक है सर, आप जैसा कहते हैं तो हम प्लान करते हैं। तो फिर मैंने प्लान किया और उस बेस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टारगेट किया कि नहीं, इस फिल्म को, ताकि महाराष्ट्र में बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी में बहुत सारी फिल्में बनी है, नागपुरी होती है और अलग अलग मुंडारी वगैरह होती है, लेकिन कुड़ुख भाषा पहली भाषा इनकी है जो इस लैंग्वेज की फिल्म बनी है। और इसके बाद इनकी कोशिश रही कि फिल्म को जैसे इन्होंने देखा तो इनका अप्रिसिएशन जिस लेवल पर मिला, इसके बाद इन्होंने दूसरी फिल्म का इन्होंने प्लान किया। तो इनकी अभी आने वाली सेकेंड फिल्म है शांतिनगर के नाम से एक फिल्म आने वाली है, तो अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, इनकी राइटिंग वाइटिंग। तो ये फिल्म आपने देखी होगी, जात पात के ऊपर है, कैसी लगी फिल्म? जात पात के ऊपर है, बेसिकली ये दो अलग अलग रिलीजन, दो कास्ट की कहानी है, कि होता कि अदर कास्ट में अगर एक लव अफेयर वाली जो मुद्दे होते हैं तो उसमें एक फैमिली को प्रॉब्लम होता है, एक समाज को प्रॉब्लम होता है, और इस फिल्म की ये कहानी है कि जब एक लड़की किसी से अफेयर करती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, किसी कारणवश वो लड़की की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद उस लड़की को जो पूरी ज़िंदगी में जो तबाही के साथ गुजरना पड़ता है, जो उसके लाइफ स्टाइल जैसे हो जाते हैं कि फैमिली वाले उसको एक्सेप्ट करते नहीं हैं, समाज उसे एक्सेप्ट करती नहीं है,
तो उस लड़की के साथ जो पूरी लाइफ हेल हो जाती है एक तरह से, तो उसी की कहानी है कि जहर जिंदगी, यानी कि एक लाइफ है कि अब उसकी जिंदगी जो है एकदम जहर बन गई है। तो एक सिंपल सी वो कहानी है। अब उसके बाद जो है पूरी फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि ये लाइफ स्टाइल उनका कैसे होता है, उस लड़की को कैसे इंसाफ मिलता है। तो उसके ये राइटर डायरेक्टर हैं और बखूबी इन्होंने फिल्माया है। इनकी कम साधनों में अगर देखा जाए तो फिल्म बनाने का इनका मतलब बहुत कम साधन, बहुत कम वक्त में इन्होंने कोशिश किया और फिल्म में इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। सर, हमारे तो, मुंबई भारत में एक तकलीफ है थिएटर की। जी, थिएटर नहीं मिलते जी। मराठी मराठी लैंग्वेज होने के बाद भी मराठी थिएटर नहीं मिलती। हाँ, आप इस लैंग्वेज में लेकर थिएटर का क्या करेंगे? थिएटर का जैसे देखिए, इस सबसे पहली बात तो है कि हमें ये सेंटर देखना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज को देखने वाले लोग कहाँ पे हैं, किस जगह जोन देखना, वो जोन हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम टारगेट करेंगे इसको झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, नेपाल, वेस्ट बंगाल। तो जैसे सबसे पहले कि हमारा झारखंड के जो गवर्नमेंट है, झारखंड सीएम से हमने अपील किया हुआ है कि हमें इस फिल्म के लिए हमें थिएटर हमें प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोगों तक अपनी एक मैसेज दे सकें और इस फिल्म को हम प्रमोट कर सकें। तो ये गवर्नमेंट के पास भी हमारी चीज़ें गई है, हमने एप्लीकेशन डाला हुआ है और कोशिश जारी है। और महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि जैसे कुछ कुछ सिनेमा हॉल के लिए हम यहाँ भी ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी लोग ज़्यादातर लोग हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में यहाँ भी आदिवासी लोग हैं जो इस लैंग्वेज को समझते हैं, जो बोलते हैं। तो उनके लिए भी हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ की सरकार हमें थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दे तो हम बहुत उनकी मतलब शुक्रगुजार हम रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमें सरकार जो है यहाँ की भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे। तो हम हर हमारे देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। जी हाँ, जानिए कुछ वहाँ तक। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह से वो राष्ट्रपति हैं उसी जगह से हमारे ये सारे लोग हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति तक ये मुद्दा पहुंचाई जाएगी और कोशिश हमारी जारी है। देखिए, विश्व इंडिपेंडेंस डे के दिन इस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं भारत सरकार में, समीर उरांव जी, वो लाइव इस फिल्म को देखे और उसमें उन्होंने अपना बाइट दिया, शुभकामना संदेश दिया। मतलब ऐसा है कि हमें इस बात की खुशी है कि आदिवासी कितनी तरक्की कर रहा है, बहुत खुशी है। लेकिन एक तरफ हमें इस बात का भी दुख है कि जिंदगी के जद्दोजहद में पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन अपनी भाषाई पहचान अस्मिता इस सब को भूलते जा रहे हैं। आज यंगस्टर्स अपनी भाषा को बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो किसी भी जाति, किसी भी समाज का पहचान तो उसकी भाषा होती है ना। अगर हम अपनी भाषा ही भूल जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को, हमारी अगली पीढ़ी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक संवाद का माध्यम है। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या हस्तांतरित कर रहे हैं? बिल्कुल सही। तो कोशिश हमारी ये है कि इस फिल्म के माध्यम से, सबसे बड़ी बात, ये कहानी बड़ी नहीं है, ये फिल्म बड़ी नहीं है, बहुत फिल्में बनती हैं, इससे भी बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ ये भाषा महत्वपूर्ण है कि हम अपने भाषा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना चाहते हैं। एक अपने भाषा की एक लड़ाई है जी, कि हमें अपने भाषा अस्तित्व की लड़ाई है। और ये आप लोग, मेरे को आप लोगों के सामने इस बात को बतलाती है, खुशी हो रही है कि यह फिल्म आर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रजिस्टर्ड है, जिसमें से लेंस फेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने इसे विनर का अवार्ड दिया है। सबटाइटल इंग्लिश दिया गया है जी। लास्टली क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार या स्टेट सरकार से? सर, मैं इनुस कुजूर, फिल्म जहर जिंदगी गई का डायरेक्टर, एज ए ट्राइबल कुरुख भाषा को सिनेमा की सूची में शामिल किए जाने का भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं। और वैसे हमने मेल भी कर दिया है और आवेदन भी हमने दिया है। इसी के साथ हमने जो है प्रयास किया है कि सिनेमा के जितने भी विंग हैं उसमें जो सिनेमा की जो भाषा की 17 सूची में से 17 लैंग्वेज हैं उसमें कुरुख को भी शामिल किया जाए, क्योंकि
भाषा एक ऐसा चीज है, सिनेमा या ये जो है कोई क्या मतलब मनोरंजन केवल नहीं है, सिनेमा के माध्यम से कोई भी भाषी छोटा हो बड़ा हो अपनी बातों को पूरे दुनिया के सामने रख सकता है, अपनी बातों को अपने संदेश को अपने समाज के लिए दे सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की जो इम्पा की या हमारे सिनेमा इंडस्ट्री की सूचना प्रशासन मंत्रालय की जो भी विंग है, वहाँ हम निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं कि वो हमारे कुरुख लैंग्वेज को भी सिनेमा की सूची में शामिल करें और सिनेमा को प्रदर्शित करने के लिए हमें भले टाइम और स्लॉट में ही सही, लेकिन रीजनल सिनेमा के लिए भी एक स्लॉट दें, एक दो शो भी अगर मिल जाता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं राम सिर का बॉलीवुड एक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर और सेलिब्रिटी फिटनेस कोच। तो मैं हमारे भाई लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे बॉम्बे में, और जिस तरह से इन लोगों की सोच विचार है अपने भाषा को लेकर के, और ये अपनी भाषा में पहली फिल्म बनी है ना विश्व में, तो ये बड़ी प्राउड वाली बात है और ट्राइबल में, और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ झारखंड से। तो मैं झारखंड सरकार से और हमारे ओडिशा से भी सब जगह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं एक बॉलीवुड एक्टर वहाँ से बिलोंग करता हूँ और हमारी भाषा ये ट्राइबल लैंग्वेज जो बनी है, तो इसको थिएटर में मतलब मौका मिले और सपोर्ट मिले, ताकि हमारे जो कल्चर है चीज़ें वो चीज़ बाहर आए। और इससे क्या होता है कि हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, सोसाइटी में काफ़ी चीज़ें बदलाव आता है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो हमारी विचार ये है कि इस पिक्चर के माध्यम से हम अपनी सोसाइटी में कुछ परिवर्तन ला सकें, जिस तरह से हमारे युवा पीढ़ी गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से मार्गदर्शन मिलेगा, उसका प्रयास है हमारा, हमारे कल्चर को बचाने का प्रयास है। तो ये हमारी प्रयास है, तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सपोर्ट चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। छत्तीसगढ़ सरकार भी सपोर्ट कर रही है, झारखंड सरकार भी सपोर्ट करे। हेमंत सरकार जी आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, और ओडिशा सरकार से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी हमारे ट्राइबल पिक्चर बन रही है उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे बढ़े और अपने कल्चर को हम बचा सकें। थैंक यू। नमस्कार, जोहार, मैं यूज कुजो, झरना आर्ट ग्रुप का डायरेक्टर। जहर जिंदगी गही के बनने के बाद उसकी जो डिमांड है लोगों में, जो उसकी चाहत है उसको कुरुख भाषा के प्रति, उसको देखते हुए झरना आर्ट्स ने और के ई इंटरटेन ने डिसाइड किया कि एक कुरुख की और फ्यूचर फिल्म बननी चाहिए। लोगों के इस तरह के उम्मीद और आकांक्षाओं को देखते हुए के ई टेन और झरना आर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि शांति नगर, जो कि फुल्ली कॉमेडी फिल्म है, उसको हमने बनाने का निर्णय लिया है। और रिसेंटली हमने उसके ऑडिशन का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी शूटिंग नवंबर दिसंबर से चालू की जाएगी। क्या है ये फिल्म, थोड़ा सा बताएं शांति नगर। स्टोरी को तो डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। हमने कोशिश किया है कि चूंकि हम ट्राइबल लैंग्वेज पर फोकस डाल रहे हैं इसके, लेकिन ट्राइबल लैंग्वेज पर भी हम बॉलीवुड के एक्टर्स डायरेक्टर्स को लेकर हम काम करना चाहते हैं, जिसमें हमारे साथ में राम सिरका सर जी बॉलीवुड के जो एक्शन कोरियोग्राफर हैं वो एक्शन कोरियोग्राफी के लिए रहेंगे। और हमारे हमारी बात हमारा मन में है कि जॉनी लीवर साहब को भी हम इसमें एक अहम रोल देना चाहते हैं, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उनके कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, लेकिन जॉनी लीवर साहब से अभी तक बात हमारी डायरेक्ट नहीं हो पाई है। और हमारी खुशकिस्मती होगी अगर जॉनी लीवर साहब इस रोल के लिए हमें यस बोल दें तो। और हमारे साथ इस फिल्म में हमारा साथ देंगे हमारे बॉलीवुड के रहने वाले हमारे क्षेत्र के श्रवण ठाकुर जी, और हमारे इसके डीओपी हमारे सुरेंद्र कुजूर जी ही होंगे, और इसके साथ टीम ऑफ डायरेक्टर्स का और चयन किया जा रहा है। थैंक यू। एक्टर डायरेक्टर कोरियोग्राफर
मैं इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा आप लोगों को। शांति नगर करके एक फिल्म, इनकी दूसरी फिल्म है इस बैनर की, तो इन जहर जिंदगी के बाद की इनकी दूसरी फिल्म है शांति नगर, जो एक कॉमेडी बेस्ड फिल्म है, ट्रेनिंग है। तो इन्होंने प्लान किया कि एक पब्लिक के डिमांड के अनुसार इन्होंने दूसरी फिल्म का इन्होंने एक मुहूर्त आज रखा है इन्होंने मुंबई में। तो जैसे झारखंड से आए तो इन्होंने प्लान किया कि नहीं, हम मुंबई में अगर एक फिल्म सेंसर के लिए आए तो उसी के साथ हम एक मुहूर्त भी करते हैं इस फिल्म का। तो इन्होंने मुहूर्त किया यहाँ पे, और इस फिल्म में इनकी कोशिश है कि जॉनी लीवर साहब को भी अप्रोच करें और एक अच्छी फिल्म बनाएं और लोगों तक ये अपनी फिल्म को पहुंचाएं। और मैं भी इनके सपोर्ट के लिए मैं खड़ा हूं, मैंने तो फिल्में ऐसे बहुत सारी की है, मेरी कुछ बड़ी बड़ी फिल्में भी आई। अजब सिंह की गजब कहानी एक रिलीज हुई मेरी, पीवीआर ने रिलीज की थी। एक जैकलीन आई एम कमिंग अभी रिलीज हुई थी रिसेंटली, जिसमें और एक मेरी एज ए डायरेक्टर मेरी फिल्म रिलीज है आपको एम एक्स प्लेयर पे, प्यार का सफ़र एम एक्स पे है, हंगामा पे है, अमेजोन प्राइम पे है। और एक और मैं भी बड़ी फिल्म मैं करने जा रहा हूँ जिसमें एज ए एक्टर आपको इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं संग्राम सिंह, तो उनको मैं एज ए एक्टर लेकर के मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। उसमें गेस्ट एक्ट्रेस में हमारे साथ ऋतिक रोशन कर रही हूँ। धनुष जी आप एक्टिंग इसमें मेनली क्या है, देखिए क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होने के कारण मैं ड्रामा का बहुत प्रेमी रहा हूँ, इसलिए लगभग लगभग हर छोटे बड़े फिल्म में या मेरी जो भी क्रिएटिविटी रहती है उसमें कुछ सेकंड एक डेढ़ मिनट का मैं रोल अपना निकाल लेता हूँ कैरेक्टर को। इसमें जॉनी लीवर साहब के लिए जो रोल ऑफर कर रहा हूँ मैं या हमने जो कोशिश किया है वो रोल एक्चुअली मेरा था, कॉमेडी गैंगस्टर का रोल है। तो अब क्या है कि हमें जॉनी लीवर साहब ज़्यादा पसंद आए, उस रोल के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा उचित लगा हमको, तो हम बस वही क्या कहना चाहेंगे। जी मैं राम सिरका, बॉलीवुड एक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर एंड सेलिब्रिटी फिटनेस कोच, और मैं बॉलीवुड में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। लास्ट मैंने राधे किया, दबंग 3 किया, कुंग फू मास्टर किया, मलयालम फिल्म, और पहली फिल्म हमारी थी मरकुदनी था। तो जब हमारे यूनुस भाई ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मुझे इसके बारे में बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने जगह के लोग हैं और इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो और मुझे कह रहे हैं कि आपका सहयोग चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरी दिली इच्छा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सर शांति नगर के बारे में बताइए, आप शांति नगर में क्या कर रहे हैं। शांति नगर में एक्शन कर रहा मैं सुरेंद्र गुजर, और इस फिल्म का एज ए डीओपी भी हूँ, और एज मेरी स्टोरी है। और मैंने ये स्टोरी लिखने के कारण था कि मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी कॉमेडी बेस की फिल्में बनी हो कभी बहुत कम फ्लॉप हुई है। फ्लॉप कहीं ना कहीं गलती के कारण हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर या जो कास्टिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम लोग फुल्ली हंसते खेलते एक समाज को अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं, और बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे बहुत हमारे पीछे कैमरा के पीछे बहुत सारे हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे दीपक श्रेष्ठ दादा हैं जिन्होंने बहुत कॉपरेट कर रहे हैं तेलुगु लैंग्वेज के लिए। और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे राम सिरका सर को जिन्होंने बॉलीवुड में रह करके ट्राइबल सिनेमा के लिए हाँ बोल दी, हमारे लिए बहुत खुशनसीब की बात है। और रहा साल जॉनी लीवर साहब के लिए स्पेशली इसलिए कैरेक्टर रखा गया उनके लिए क्योंकि उनका लुक हम आदिवासियों से मैच करता है, और उनका जो रंग रूप है काफ़ी हम लोगों से मिलती जुलती है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने हाँ कर दिया उनके लिए। और बहुत जितने भी लोग हमारे हम देख रहे हैं हमारे दर्शक भाई बंधु लोग जितने बाहर भी रहते हैं उनके लिए हम संदेश देना चाहेंगे कि अपनी चीज़ों को अपनी लैंग्वेज की फिल्मों को देखना क्यों जरूरी है। आप खुद समझ रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, विशेष जितने भी मीडिया बंधु हैं सभी लोग हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हम लोग एक मीडिया ऐसा मतलब देश का एक पिलर माना जाता है कि जो आप तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसके लिए बहुत जितने भी मीडिया बंधु हमारे बाइट को कवरेज कर रहे हैं हम दिल से धन्यवाद देते हैं, और आप लोग का दुनिया तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है आपको, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। और एक अपील करना चाहूँगा कि दुख की बात ये है कि हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके तो फिल्म तो बना लेते हैं लेकिन हमारे लिए कहीं फिल्म के लिए हमारे सिनेमा नहीं का ये स्क्रीन नहीं मिल पाता है। ये फिल्म जो हम लोग बीते बार हम लोग जो चलाया हम लोग खुद पोस्टर बनाने से लेकर पोस्टर चिपकाने से लेकर सिनेमा चला हम लोग खुद ऑपरेट थिएटर तक खुद हम लोगों ने फिल्म सिनेमा को चलाया और ऑडियंस दिखाया। सिर्फ आदिवासी नहीं गैर आदिवासी भाइयों ने बहुत सराहे और उनका जो सर उत्साह को देखकर उन्होंने कहा कि दूसरी फिल्म आप लोग बनाइए हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। तो ये हम लोग उस भीड़ को हम जरूर आप लोग शेयर करना चाहेंगे दिखाना चाहेंगे कि उस भीड़ को देख करके हम लोगों ने अचंभित हो गए कि हम लोग तो ऐसा कुछ किए नहीं
और इतनी बड़ी बड़ी हमारे संसाधन हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये इस फिल्म में मिट्टी का जुड़ाव, अपनी भाषा का, अपनी चीज़ों से जो लोगों को प्रेम देखा और उस प्रेम को देखकर प्रेरित होकर हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं। और बताना चाह रहा हूँ जो फिल्म जो हमारी है वो करीब करीब 3-4 जगह से हम लोग मांग रहे हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, आसाम में और बिहार में, इधर छत्तीसगढ़ में तो है ऑलरेडी है, झारखंड में हम लोग काफ़ी मांग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मीडिया बंधु को, जो आ रहे हैं।